छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। रायपुर महिला थाने में FIR दर्ज हुई है। आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल ने युवती को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया है, जिसके खिलाफ जांजगीर चांपा की एक युवती ने मामला दर्ज कराया है। रेप पीड़िता ने पलाश चंदेल पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया है। बता दें कि इसके पहले छत्तीसगढ़ जनजातीय आयोग में शिकायत की गई थी। जनजातीय आयोग ने मामले में संज्ञान लिया। इसके बाद रायपुर के महिला थाने में शून्य में FIR दर्ज कर मामले को जांजगीर पुलिस को ट्रांसफर किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य गणेश सिंह ध्रुव ने मामले की जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। कल हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति की एक महिला के द्वारा यहाँ प्रकरण दर्ज करवाई गई है, जिसमें विधानसभा प्रतिपक्ष नेता श्री नारायण चंदेल का पुत्र बताया गया है। उनका नाम पलाश चंदेल है और इस संबंध में हम ज़्यादा कुछ तो जानकारी अभी नहीं दे सकते, चूँकि ये न्यायालयीन मामला है और इस मामला में हम अभी पंजीयन दर्ज कर चुके हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसकी जानकारी बाद में आप लोगों को दे दी जाएगी। इसने दैनिक शोषण का आरोप लगाई है और बाकी तो प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही, ये जिला जांजगीर की है।